अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान असम जलाल और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों से हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान पर अब रहम खाइए, तरस खाइए और सब मिलकर जनरल इलेक्शन अनाउंस करा दीजिए। -1 के फार्मूले से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मजीद बिगड़ेंगे। अपनी नफरत और जिदों को छोड़कर सब इकट्ठे होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने में मुतहद हो जाएं और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। ऐसा ना हो कि जब आप जानते हैं कि जज अरशद मलिक की तौहीन करने वाली मरियम डाकुरानी पर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका और इंसाफ मांगने वाला इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, मगर याद रखना ये भुट्टो नहीं है जो खामोशी से पाबंद सलासल हो जाएगा। ये कप्तान है और आखिरी गेंद तक लड़ता है। मेरी इतला के मुताबिक, मेरे अजीजों, मेरे हमतरों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से एक मुजिज जज इमरान खान के खिलाफ दर्जनों कॉलम लिख चुके हैं, तो फिर गैर जानबदारी तो मुमकिन नहीं है। मैं इस जज साहब से हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ कि इखलाकी तौर पर आप इस बेंच से रिज़ाइन कर जाएं ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। और ये जो बदज़ुबान मरियम डाकुरानी है, जहालत की बहुत बड़ी एक शाहकार औरत है और इसी की वजह से शरीफ ख़ानदान बदनाम हुआ है और अब भी ऐसा करने से मना नहीं हो रही। इमरान खान के ख़िलाफ़ बदज़बानी, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ज़रा दरेग नहीं करती और इसने अपने सियासी कैरियर को भी इसी तरह तबाह बर्बाद किया है और इसके साथ साथ ये शरीफ ख़ानदान भी तबाह बर्बाद हो चुका है। और इसी की वजह से जब ये कहीं दूसरे मुल्क में जाते हैं तो लोग इनको चोर चोर कहकर पुकारते हैं। इसकी जिम्मेदार भी यही नानी 420 है और इनका जो पीडीएम का जो सबसे बड़ा लीडर है ये मौलाना डीजल। ये किसी सैलाब जदगान इलाके में नहीं गया क्योंकि ये पानी से डरता है। इसको ये पता है कि फ़िरौन भी पानी में डूबकर ही मरा था। तो मेरे अजीज़ों, मेरे हमतरों, आप इससे कोई एक्सपेक्ट ना करें कि ये किसी सैलाब जदगान की मदद करेगा, बल्कि ये एक चूहे की तरह अंदर घुस कर बैठा रहेगा और वहाँ से गलीज जबान इस्तेमाल करता रहेगा। तो मेरे अजीज़ो, मेरे हमतरों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे जा चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद। थैंक यू।